हम जानते हैं कि ओलंपिक गेम्स का इस समय जो सारे खेल हैं वो एक चरम सीमा पर सब चल रहे हैं और अब फाइनल्स की सेमीफाइनल्स का जो दौर है उसी में ही सबको इंतज़ार है कि कितने मेडल हमारे आते हैं जुड़ते हैं। मुझे बड़ी खुशी है आपको बताते हुए कि आज अभी बजरंग पुनिया जो कांस्य मेडल के लिए जिसका अभी खेल पूरा हुआ है उसने उस मेडल को जीत लिया है और बहुत अच्छे प्रकार से वो खेला है। तो इस प्रकार से अपने देश के इस समय तक 6 मेडल हो गए हैं, 2 सिल्वर और 4 कांस्य। और स्वाभाविक है हरियाणा का योगदान इसमें सर्वाधिक है। हरियाणा के हमारे खिलाड़ी भी 120 में से 30 खिलाड़ी हरियाणा से गए हुए हैं और अभी भी और स्कोप है, हमें कुछ मेडल और भी मिलेंगे। अभी नीरज चोपड़ा ये भी जेवलिन थ्रो के अंदर अपना प्रदर्शन करने वाला फाइनल में पहुंच गया है। आशा करते हैं कि वो भी एक अच्छी अपने जो गेम की जो उपलब्धि है वो करके देश के नाम करेंगे। बजरंग पुनिया जैसे भी कांस्य पदक जीते हैं उनको जो हमारे यहाँ पॉलिसी में है कांस्य पदक वाले को 2.5 करोड़ रुपए की राशि ये नगद दी जाती है, साथ में सरकारी नौकरी मिलती है और एक हुड्डा का प्लॉट जो है वो भी उसको 50% की कंसेशन रेट के ऊपर मिलेगा। और ये खुड्डन गांव झज्जर ज़िले का वहाँ का रहने वाला है। खुड्डन में भी जैसे हमने कल रवि दैया के उसमें एक सब सुविधाओं से युक्त एक इंडोर स्टेडियम ये बनाने की बात कही थी, तो खुड्डन में भी नए खिलाड़ियों को और वहाँ पर खेलने का मौका मिले और अपनी तज्ञता को बढ़ा सकें तो वहाँ भी ये किसी प्रकार का सुविधाओं से युक्त एक स्टेडियम इंडोर स्टेडियम ये बनाया जाएगा। हम जानते हैं कि ओलंपिक गेम्स का इस समय जो सारे खेल हैं वो एक चरम सीमा पर सब चल रहे हैं और अब फाइनल्स की सेमीफाइनल्स का जो दौर है उसी में ही सबको इंतज़ार है कि कितने मेडल हमारे आते हैं जुड़ते हैं। मुझे बड़ी खुशी है आपको बताते हुए कि आज अभी बजरंग पुनिया जो कांस्य मेडल के लिए जिसका अभी खेल पूरा हुआ है उसने उस मेडल को जीत लिया है और बहुत अच्छे प्रकार से वो खेला है। तो इस प्रकार से अपने देश के इस समय तक 6 मेडल हो गए हैं, 2 सिल्वर और 4 कांस्य। और स्वाभाविक है हरियाणा का योगदान इसमें सर्वाधिक है। हरियाणा के हमारे खिलाड़ी भी 120 में से 30 खिलाड़ी हरियाणा से गए हुए हैं और अभी भी और स्कोप है, हमें कुछ मेडल और भी मिलेंगे। अभी नीरज चोपड़ा ये भी जेवलिन थ्रो के अंदर अपना प्रदर्शन करने वाला फाइनल में पहुँच गया है। आशा करते हैं कि वो भी एक अच्छी अपने जो गेम की जो उपलब्धि है वो करके देश के नाम करेगा। बजरंग पुनिया जैसे भी कांस्य पदक जीते हैं उनको जो हमारे यहाँ पॉलिसी में है कांस्य पदक वाले को 2.5 करोड़ रुपए की राशि ये नगद दी जाती है, साथ में सरकारी नौकरी मिलती है और एक हुड्डा का प्लॉट जो है वो भी उसको 50% की कंसेशन रेट के ऊपर मिलेगा। और ये खुड्डन गांव झज्जर ज़िले का वहाँ का रहने वाला है। खुड्डन में भी जैसे हमने कल रवि दैया के उसमें एक सब सुविधाओं से युक्त एक इंडोर स्टेडियम ये बनाने की बात कही थी, तो खुड्डन में भी नए खिलाड़ियों को और वहाँ पर खेलने का मौका मिले और अपनी तज्ञता को बढ़ा सकें तो वहाँ भी ये किसी प्रकार का सुविधाओं से युक्त एक स्टेडियम इंडोर स्टेडियम बनाया जाएगा।